धूमधाम से कराया गया भैंस का मुंडन। बुलाए गए नाते रिश्तेदार। इलाके के लोगों को दी दावत। यूपी के हरदोई के भगौनी थाना क्षेत्र के सुन्नी गांव में एक किसान ने अपनी भैंस का विधि विधान से मुंडन संस्कार कराया। मुंडन में बैंड बाजा भी आया और लोगों ने नाचकर खूब जश्न भी मनाया। यही नहीं, मुंडन संस्कार कराने वाले किसान ने निमंत्रण देकर इलाके के लोगों को दावत भी दी। दरअसल आपको बता दें, मन्नत पूरी होने पर एक किसान ने नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा मंदिर में गाजे बाजे के साथ पहुंचकर भैंस का मुंडन कराया और रिश्तेदारों के साथ गांव वालों को मुंडन की दावत भी दी। पूरे इलाके में इस अनोखे मुंडन की चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक इलाके में भैंस का ये मुंडन समारोह हर किसी की जुबान पर है। भगौनी थाना क्षेत्र के सुन्नी गांव के रहने वाले किसान प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि उसकी भैंसों से होने वाले बच्चे 2-4 महीने में ही खत्म हो जाते थे, जिससे काफी समय से वो इसे लेकर परेशान थे। उसने गांव के ही देवी माँ के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि पड़िया जीवित रही तो आपके मंदिर में मुंडन कराएंगे। किसान ने ठीक वैसा ही किया। करीब 3 साल पहले इस भैंस ने पड़िया को जन्म दिया था और अब इसका मुंडन कराया गया है। बता दें, इस बारे में प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी भैंस के बच्चे जन्म लेने के बाद मर जाया करते थे, जिससे वो काफी परेशान थे। उन्होंने माँ दुर्गा के मंदिर में मुराद मांगी थी कि यदि हमारी भैंस का बच्चा बच गया तो उसका मुंडन संस्कार आपकी चौखट पर करवाऊंगा। माँ दुर्गा की कृपा से प्रमोद की ये मनोकामना पूर्ण हुई, जिसके बाद अपने वचन का निर्वाहन करते हुए माँ दुर्गा की चौखट पर पहले नवरात्र के दिन ही भैंस के बच्चे का पूरी शान और शौकत के साथ मुंडन कार्यक्रम को संपन्न करवाया। आपको बता दें, किसान ने इसमें नाते रिश्तेदार के अलावा दोस्त और नजदीकी रिश्तेदारों को बुलाया था। इस तरह का आयोजन गांव में पहली बार हुआ है। किसान ने मुंडन कार्यक्रम में करीब 1 लाख रुपए खर्च किए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही बन इंडिया हिंदी के साथ।